हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम डीएलएड का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2020 में, उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको डीएलएड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, एग्जाम नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल या फिर लेसन प्लान की पीडीएफ डाउनलोड करनी है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर एग्जाम अक्टूबर 2020, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज, कोर्स कोड 107। एग्ज़ाम का जो टाइम था 3 घंटे का, 70 नंबर का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच इज अ ग्रेट सक्सेस इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेटिव अप्रोच इज द रीसेंट एंड लेटेस्ट अप्रोच ऑफ टीचिंग इंग्लिश। मच स्ट्रेस इज लेड ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन द अप्रोच। द स्किल्स ऑफ स्पीकिंग एंड राइटिंग आर इंक्लूडेड इन द कम्युनिकेटिव अप्रोच। वन कैन कम्युनिकेट वेल ओनली व्हेन ही लेड द लैंग्वेज प्रॉपरली। तो हम उसमें जो है कम्युनिकेशन करने के लिए अच्छी स्पीकिंग और जो है राइटिंग जो है स्किल अच्छी होनी चाहिए, और लैंग्वेज भी जो है प्रॉपर अच्छे से जो है आपको बोलनी आनी चाहिए, तभी आपस में जो अच्छे से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट आर द ऑर्गन्स ऑफ स्पीच? यानी कि स्पीच के जो है कौन कौन से जो है ऑर्गन्स है वो बताने हैं। तो सबसे पहले देखिए, व्हेन वी स्पीक वी यूज अवर वोकल ट्रैक्ट्स टू प्रोड्यूस साउंड और फोन्स। बिफोर एग्जामिंग द साउंड वी मेक इन इंग्लिश, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज ऑर्गन्स आर एंड हाउ दे आर यूज। यहाँ पे बोला गया कि जब हम बोलते वगैरह स्पीच वगैरह देते हैं, तब कौन कौन से जो ऑर्गन हैं हमारे यूज़ होते हैं। तो देखिए, नसल कैविटी, लिप्स, टीथ, एल्वेनोडर, रिड्ज, हार्ड पैलेट, वेलम सॉफ्ट पैलेट, यूविला, एपेक्स टिप ऑफ टंग, ब्लेड फ्रंट ऑफ टंग, डोरसम बैक ऑफ टंग, टन, ओरल कैविटी, फारिनिक्स, एपिग्लोटिस, लेरिनिक्स, वोकल कॉर्ड, ग्लोटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कॉन्फ्रेंसिंग इन राइटिंग स्किल? यानी कि व्हाट इज कॉन्फ्रेंसिंग इन राइटिंग स्किल? तो इस तरीके से आप जो है इसके दो क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर इस तरीके से पूछ ले व्हाट राइट ए नोट ऑन द प्रोसेस ऑफ राइटिंग, ये भी सही है। और दूसरा ये भी पूछ सकते हैं, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ब्रेनस्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, मॉडिफाइंग, रिवर्सिंग एंड पब्लिशिंग। तो दोनों का जो है सेम ही आंसर है। व्हेन ए राइटर राइट्स एनी कंपोजिशन ही हैज़ टू फॉलो ए प्रोसेस। जब भी कोई राइटर राइट्स करता है कंपोजिशन वगैरह, तो वो फॉलो जो है अलग अलग जो प्रोसेस जो तरीके यूज़ करता है। पहला सबसे आगे देखिए, थेरोसिस्ट हैव डिफाइंड द राइटिंग प्रोसेस एज डिफरेंट स्टेप्स और स्टेज दैट इज राइटर गोज थ्रू टू प्रोड्यूस ए पीस ऑफ राइटिंग। तो वो डिफरेंट स्टेप्स यूज़ करता है, स्टेज यूज़ करता है लिखने के लिए। दीज आर स्टेप्स ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, ड्राफ्टिंग, एडिटिंग, कॉन्फ्रेंसिंग, मॉडिफाइंग, रिवर्सिंग, पब्लिशिंग। इट इज़ शोन इन द फॉलोइंग फिगर। और किस तरीके से जो प्रोसेस होती है, सबसे पहले देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग, सेकेंड है ड्राफ्टिंग, थर्ड है एडिटिंग, फोर्थ है कॉन्फ्रेंसिंग, फिफ्थ है मॉडिफाइंग, सिक्स्थ है रिवर्सिंग और लास्ट में है पब्लिशिंग। तो ये जो है राइटिंग प्रोसेस होती है। नेक्स्ट जो है ग्रामर पोर्शन स्टार्ट हो चुका है। फर्स्ट है क्वेश्चन, फोर्थ है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब गिवन इन ब्रैकेट। यहाँ पे आपको वर्ब यूज करनी है करेक्ट। तो सबसे फर्स्ट देखिए, माय सिस्टर खालिस्तान विद एस दीज डे। यहाँ पे दीज डे जो यूज किया गया है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट इनडेफिनेट की जो है बात हो रही है कि मेरी जो सिस्टर मेरे साथ रह रही है, यानी कि ये क्या है, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूस, क्योंकि मेरी सिस्टर जो है मेरे साथ रह रही है इन दिनों। तो यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन गया। उसमें क्या आता है, इज या एम या आर के साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। अब इज जो लगेगा सिंगुलर के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ और एम लगेगा आई के साथ। तो माय सिस्टर सिंगुलर है, तो यहाँ पे जो है कौन सी वर्ब लगेगी, इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि स्टे की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगी, स्टे, और इसके साथ आईएनजी लगेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माय सिस्टर इज स्टेइंग। इज स्टेइंग जो है यहाँ पे वर्ब यूज होगी, इज स्टेइंग। नेक्स्ट है, इट इज टाइम द बेल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, रिंग्स। यहाँ पे क्या जाएगा, रिंग्स। वैसे सेंटेंस इस तरीके से बनना था, इट इज टाइम टू रिंग द बेल। यहाँ पे जो है टाइम के साथ टू लगता है, इट इज द टाइम टू रिंग द बेल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिंग्स।
नेक्स्ट देखिए यूज सूटेबल सूटेबल प्रीपोजिशन, यहाँ पे सूटेबल प्रीपोजिशन आपको भरनी है। तो फर्स्ट है आवर फ्लैट इज खालिस्तान, द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, हमारा जो फ्लैट है वो सेकंड फ्लोर के ऊपर है। तो यहाँ पे फ्लैट छोटा है फ्लोर बड़ा है, तो यहाँ पे कौन सी जो है प्रीपोजिशन यूज हो जाएगी, ऑन द फ्लोर। अगर छोटे के लिए ऑन लगेगा, बड़े के लिए एट लगता है, तो यहाँ पे ऑन द सेकंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट है आई एम वेरी गुड खालिस्तान रिपेयरिंग थिंग्स, मैं जो है गुड हूँ किस में हूँ, जो वस्तुओं को रिपेयरिंग करने में। जहाँ पे गुड और बैड यूज होते हैं ये वर्ड होते हैं, वहाँ पे क्या लगता है एट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एट रिपेयरिंग थिंग्स। इन यूज नहीं होगा, कहीं कोई इन लगा दी, इन नहीं होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यूज करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नॉन फाइनाइट, यहाँ पे आपको नॉन फाइनाइट यानी कि करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरनी है। तो ये आपको सेंस से पता चलेगा कि क्या सेंस बन रही है। तो द बेगर मेड ए खालिस्तान अपील, यहाँ पे ब्रैकेट में मूव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा द बेगर मेड ए मूविंग अपील, यहाँ पे क्या जाएगा मूविंग, ये सेंस से पता चलेगा आपको। द टीचर टॉट मी हाउ खालिस्तान माई टाइम प्रॉपरली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यहाँ पे टू यूज, द टीचर टॉट मी हाउ टू यूज माई टाइम प्रॉपरली। नेक्स्ट है चेंज द वॉइस, यहाँ पे आपको वॉइस चेंज करनी है। सबसे फर्स्ट है वेहन डिड यू बाई इट, आपने ये कब खरीदी, तो जब इसका हम चेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वेहन इज का, यहाँ पे जो डिड है इसकी जगह यहाँ पे क्या यूज होगा वाज, वेहन वाज इट बाई की थर्ड फॉर्म बोट बाई यू, इसकी जो राइट जो है वो इस बनेगी जब चेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा वेहन वाज इट बोट बाई यू, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है यू मस्ट फिल इन द फॉर्म बाई टुमारो, तो इसका जब हम चेंज करेंगे वो इसमें तो यहाँ पे क्या आएगा द फॉरम, तो अपने पास ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे, द फॉरम मस्ट बी, फिल की जो है थर्ड फॉर्म ये आएगी यहाँ पे, मस्ट बी फिल्ड इन बाय यू बाय टुमारो, ये यहाँ पे क्या बनेगा इसका राइट वॉइस, द फॉरम मस्ट बी फिल्ड इन बाय यू बाय टुमारो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, नेक्स्ट है फाइव नंबर की जो क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज एट एलिमेंट्री स्टेज, तो एम और ऑब्जेक्टिव्स जो है आपको बताने हैं किसके टीचिंग ऑफ इंग्लिश के सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में एलिमेंट्री स्टेज के ऊपर। तो देखिए इस क्वेश्चन को जो है तीन तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे फर्स्ट है डिस्कस द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एज सेकंड लैंग्वेज एट एलिमेंट्री स्टेज, दूसरा है व्हाट आर द जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज, फोर्थ यहाँ पे जो है नेक्स्ट जो पूछ सकते हैं गिव इन ब्रीफ एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज। तो यहाँ पे देखिए इसको एक्सप्लेन करना है, तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एम और ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस के बारे में बात कर लेते हैं एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट द वन एंड द सेम थिंग, दे आर वाइडली डिफरेंट टर्म्स, एम्स आर द अल्टीमेट गोल्स द टारगेट द डेस्टिनेशन एंड फाइनल आउटकम्स, ऑब्जेक्टिव्स आर द इमीडिएट कंसर्न ऑफ द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स, स्टडी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हेल्प इन अटेनिंग द सेट एम्स, एम्स हैव वाइडर स्कोप, दे कवर ए मोर एरिया ऑफ स्टडी, ऑन द अदर हैंड द स्कोप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इज नैरो, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव इनका स्पेस है ये स्कोप क्या है नैरो है, दे कवर ओनली ए लिमिटेड एरिया, ये जो है लिमिटेड एरिया को कवर करते हैं जबकि एम क्या करते हैं ज़्यादा एरिया को, एम्स डील विद वेरियस प्रॉब्लम विच मे बी आइडियल, ये जो है एम क्या होते हैं ये आपके वेरियस प्रॉब्लम को क्या करते हैं डील करते हैं, ऑन द अदर हैंड ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट डील बट बिहेवियरली, ये जो है ऑब्जेक्टिव क्या है डील नहीं करते बट ये क्या है बिहेवियरली यानी कि व्यवहारिक है, एम्स आर अटेंड विद द हेल्प ऑफ स्कूल सोसाइटी एंड नेशन वाइल ऑब्जेक्टिव्स आर द अकॉर्डेंस विद द नीड्स ऑफ स्कूल सोसाइटी एंड नेशन, एम्स को जो अटेंड किया जाता है स्कूल के हेल्प से सोसाइटी नेशन के हेल्प से, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव है ये ऑक्यूरेंस विद द नीड, ये जो है स्कूल के नीड के अकॉर्डिंग सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो है मिलते हैं, इट टेक्स ईयर टू अचीव ए सिंगल एम, वेदर द ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड ईजिली, यहाँ पर आपको बताया गया कि जो एम है उनको अचीव करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है यानी कि सालों लग जाते हैं, बट जो ऑब्जेक्टिव है इनको ईजिली जो है गेन किया जाता है अचीव किया जाता है, इन फैक्ट ऑब्जेक्टिव आर द मीन्स ऑफ अचीव्स द सेम, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है कि एम्स को अचीव करना।
अब एम्स ऑफ टीचिंग क्या है? तो अकॉर्डिंग टू थॉमसन एंड वाट, देर आर फोर स्पेसिफिक एम ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट स्कूल लेवल. फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश विद कम्प्रीहेंशन, सेकेंड है टू स्पीक इंग्लिश. पहला तो ये है कि किस तरीके से इंग्लिश को समझ सकते हैं कम्प्रीहेंशन के हेल्प से, दूसरा है कि किस तरीके से इंग्लिश बोल सकते हैं. थर्ड है टू अंडरस्टैंड राइट रिटन इंग्लिश एंड रीडिंग विद कम्प्रीहेंशन, किस तरीके से जो इंग्लिश को समझ सकते हैं रीडिंग विद कम्प्रीहेंशन, कम्प्रीहेंशन को पढ़ के. फोर्थ है टू राइट इंग्लिश, ठीक है. चार है द नॉलेज ऑफ द फोर स्किल इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर द प्रोस्पेक्टिव टीचर्स बिफोर ही या सी फेसिस द रियल क्लासरूम सिचुएशन. तो सभी जो चारों स्किल हैं बहुत ज़्यादा यूज हैं जो है टीचिंग के लिए, एक टीचर के लिए जब वो रियल क्लास को अटेंड करता है सिचुएशन को. विदाउट एम्स वी कैन नाइदर इवेलुएट स्टूडेंट प्रोग्रेस नोर कैन बी एबल टू ग्रैप्स इंग्लिश इजिली. एम के बिना हम जो है क्या नहीं कर सकते, स्टूडेंट्स को इवेलुएट नहीं कर सकते उनकी प्रोग्रेस को. ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द टीचिंग कैरिकुलम, टेक्स्ट बुक, मैथड, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग एंड इवेल्यूशन सिस्टम आर डिटरमाइंड बाई द एम एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द टीचिंग. यहाँ पे बोला गया है कि जो भी टीचिंग के एस्पेक्ट हैं, कैरिकुलम है, टेक्स्ट बुक, मैथड हैं, ये सभी जो हैं टीचिंग, ये सभी जो हैं क्या करते हैं, एम और ऑब्जेक्टिव को डिटरमाइन करने के सिस्टम हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है डज मदर टंग इंटरफेयर इन टीचिंग ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एट एलिमेंट्री स्टेज, एक्सप्लेन. तो इसको पूछने के बहुत सारे तरीके हैं, ये क्वेश्चन अलग अलग टाइप से भी पूछा जा सकता है. जैसे आपसे ये भी पूछ सकते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ मदर टंग इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, या फिर आपसे ये पूछ सकते हैं हाउ कैन द मदर टंग बी हेल्पफुल इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश. नेक्स्ट ये पूछ सकते हैं सजेस्ट हाउ द यूज ऑफ मदर टंग हेल्प्स इन टीचिंग इंग्लिश. नेक्स्ट है द टीचिंग ऑफ मदर टंग एंड द टीचिंग ऑफ ए फॉरन लैंग्वेज कैन सपोर्ट एंड असिस्ट ईच अदर, जो है इलुसिडेट. नेक्स्ट आपसे ये पूछ सकते हैं इलेबोरेट द रोल ऑफ मदर टंग इन द टीचिंग ऑफ द इंग्लिश एट एलिमेंट्री स्टेज ऑफ इंडिया. तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को पूछने के. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोल ऑफ मदर टंग के, मदर टंग का रोल क्या है. रिगार्डिंग द यूज ऑफ मदर टंग वाइल टीचिंग इंग्लिश डिफरेंट पीपल गिव डिफरेंट नोटेशन, यानी कि जब हम जो है मदर टंग या फिर जो है टीचिंग इंग्लिश से रिलेटेड अगर बात करते हैं तो अलग अलग जो लोग हैं उनके अलग अलग जो नोटेशन है. द फॉलोअर ऑफ ट्रांसलेशन मेथड फेवर्स इट वाइल द लवर्स ऑफ डायरेक्ट मेथड डिस्कार्ड एंड सन यूज ऑफ मदर टंग फॉर देम मदर टंग इज ए बिग हर्डल इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश. इन दिस रिगार्ड रिम्बरेंट ओपिन्स द क्वेश्चन ऑफ द प्लेस ऑफ मदर टंग इन द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इज नॉट दैट द सब ऑर्डिनेशन बट दैट कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन. यहाँ पे बोला गया कि ये जो है सब ऑर्डिनेशन नहीं है बट ये क्या है कोऑपरेशन एंड जो है यहाँ पे क्या है कोऑर्डिनेशन है टंग का और जो है इंग्लिश टीचिंग का. नेक्स्ट है हेयर कोऑपरेशन ऑफ मदर टंग शुड बी टॉक्ड इन द टीचिंग ऑफ द इंग्लिश. तो यहाँ पे कोऑपरेशन होना जरूरी है जो हम पढ़ा रहे हैं मदर टंग के साथ जो भी है उस लैंग्वेज में जो पढ़ा रहे हैं उसके साथ अच्छा जो है कोऑपरेट होना जरूरी है. रिगार्डिंग द यूटिलिटी ऑफ मदर टंग इन लर्निंग इंग्लिश मैनी एजुकेशनिस्ट हैव एक्सप्रेस्ड देयर व्यूज. यहाँ पे जो है मदर टंग के जो है अलग अलग इंग्लिश पढ़ने में या फिर जो है यहाँ पे बहुत सारी जो एक्सप्रेशन दी गई है उनके व्यूज के अकॉर्डिंग. नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द ओपिनियन ऑफ द सम ऑफ देन. पहला जो है मिनोन एंड पटेल ऑब्जर्व, उन्होंने क्या जो है इसके लिए जो है यहाँ पे ओपिनियन दिया है, अपना एक्सप्रेस किया है अपने विचार. ए टीचर मे एक्सप्लेन बाई मीन ऑफ लाइन्स एंड ड्रॉइंग यूजिंग इंग्लिश ऑल द टाइम द वर्ड लॉन्ग एंड शॉर्ट. यहाँ पे वो लगा कि एक टीचर जो है एक्सप्लेन कर सकता है लाइनों को ड्राइंग को किसके हेल्प से, वर्ड को छोटे और बड़े की हेल्प से. वेहन ही स्पीक एंड ड्रॉज लाइन ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब भी वो लाइन वगैरह ड्रा करता है और बोलता है हीज पीपल से टू देम सेल्फ इन देयर ओन लैंग्वेज ओवर अवर वर्ड ऑफ दैट इज. वो क्या करते हैं अपनी भाषा जो उसमें बोलते हैं. ट्रांसलेशन इज टेकिंग प्लेस इवन दो द पीपल हैज सेड नथिंग अलाउड. वो फिर भी जो है अपनी लैंग्वेज में जो है बोलने की कोशिश करेंगे क्योंकि उनको उनको अपनी लैंग्वेज का जो है पता है. नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी कमीशन ऑफ कलकत्ता, इन्होंने क्या जो है इसके लिए एक्सप्रेशन दिया है. ए सेवर ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ मदर टंग इज नॉट ए विचल बट ए नेसेसरी प्रीलिमिनरी ट्रेनिंग इन द यूज ऑफ इंग्लिश. थर्ड है द वर्ड
वर्ड्स ऑफ रेबरन, रेबरन ने क्या दिया है कि इफ सफिशियंट अटेंशन इज पेड टू द टीचिंग ऑफ मदर टन एंड इट वेल टॉक हैबिट्स में बी फॉर्मड इन द क्लासरूम विच विल बी ग्रेटेस्ट वैल्यू इन कनेक्शन वाई लर्निंग ऑफ इंग्लिश। यहाँ पे बोला गया है कि अगर क्लास में बच्चे अगर अच्छे से तरीके से अटेंशन वगैरह करते हैं तो उनको आदत पड़ जाती है अलग अच्छे से बोलने की, और ये क्या है कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा तरीका है कनेक्शन के लिए। आफ्टर गोइंग थ्रू द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स ये एंड एजुकेशनलिस्ट यानी कि सभी की सुनने के बाद इट कैन बी कंक्लूडेड, यहाँ से जो निर्णय निकलता है दैट वाइल टीचिंग इंग्लिश इफ ए टीचर फेसिस मैनी डिफिकल्टी इन एक्सप्लेनेशन ऑफ सम पर्टिकुलर थिंग्स ही विदाउट एनी एजिटेशन शुड इंट्रोड्यूस द मदर टन। अगर वो समझाते टाइम अगर बिल्कुल भी एजिटेशन नहीं करता है जो टीचर है जो पढ़ा रहा है तो क्या कर सकता है वो आसानी से जो है इंट्रोड्यूस कर सकता है मदर टन में। इफ ही डज सो ही कैन सेव द टाइम एंड एनर्जी बिहाइंड द रिमूवल ऑफ अनड्यू कन्फ्यूजन इन द माइंड्स ऑफ स्टूडेंट, तो वो आसानी से जो टाइम और एनर्जी को बचा सकता है और जो बच्चों के डाउट है उनको क्लियर कर सकता है। बट द टीचर शुड बी एक्सट्रीमली कॉशियस वाइल यूजिंग मदर टन, तो जो टीचर है अच्छे से एक्सट्रीमली कॉशियस होना चाहिए जब वो मदर टन यूज़ करता है। तो ही शुड इंट्रोड्यूस मदर टन ओनली इन सर्टेन एंड डिफिकल्ट सिचुएशन एंड नॉट यूज इट फॉर एवरी वर्ड, उसको जो मदर टन है हर एक जगह यूज नहीं करनी चाहिए कि हर एक सिचुएशन में, बस उसको जहाँ पर जरूरत है उस जगह पर जो है मदर टन यूज़ करनी जरूरी है समझाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वट आर डिप्थोंग्स इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, तो यहाँ पे बताना है कि डिप्थोंग क्या है। तो डिप्थोंग कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डिप्थोंग्स, वन ऑफ द बेस्ट डिप्थोंग एग्जाम्पल इज द वर्ड ऑयल, इसका ऑयल जो है बेस्ट एग्जाम्पल है इसको समझाने के लिए। हेयर वी हैव टू वाउल्स वर्किंग साइड बाई साइड, यहाँ पे जो दो वाउल हैं जो काम कार्य कर रहे हैं साइड बाई साइड, टुगेदर दे क्रिएट ए साउंड, दोनों जो एक साउंड क्रिएट करते हैं। देन एनी थिंग ओ एंड आई, ऑयल में यहाँ पे देखेंगे ओ और आई दोनों की साउंड आती है, अलोंग कैन प्रोड्यूस एंड दैट्स जस्ट स्केटिंग द सर्फेस, तो ये जो है यहाँ पे आप शॉर्टकट में इसको समझ सकते हैं। बाकी के लिए जो आप यहाँ पे जो प्ले गूगल पे इसको अच्छे से या फिर बुक वगैरह में इसको अच्छे से देख सकते हैं डिटेल में। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिदम ऑफ इंग्लिश, जो है यहाँ पे जो है साइट जो है शॉर्ट नोट लिखना है किसके ऊपर, रिदम के ऊपर। तो वेहन वी स्पीक वी स्ट्रेस सम वर्ड एंड डू नॉट स्ट्रेस अदर्स, इन नॉर्मल स्पीच ऑल नाउन्स डिमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस मेन वर्ब एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स आर स्ट्रेस। नॉर्मली क्या होता है कि स्पीच ऑफ नाउन क्या होते हैं सभी जो क्या करते हैं स्ट्रेस वगैरह करते हैं स्ट्रेस होते हैं। द प्रोनाउन प्रीपोजिशन कंजेक्शन हेल्पिंग वर्ब आर नॉट स्ट्रेस, जबकि जो प्रीपोजिशन है जो प्रोनाउन कंजेक्शन है ये क्या नहीं है स्ट्रेस्ड नहीं है। दिस स्ट्रेस एंड एनस्ट्रेसिंग ऑफ सर्टेन वर्ड इन इंग्लिश हैज गिवन टू रिदम टू इट्स ओन, ये जो कुछ स्ट्रेंसिंग स्ट्रेसिंग और अनस्ट्रेसिंग जो वर्ड हैं ये इंग्लिश में क्या प्रदान करते हैं ये क्या देते हैं रिदम देते हैं। वाइल लिसनिंग टू एन इंग्लिश सेंटेंस वी आर अवेयर ऑफ वट वन राइटर हैज कॉल्ड रेगुलर सीरीज ऑफ पीक्स एंड दो दैट इज स्ट्रेस इज ऑक्यूरिंग एट रेगुलर इंटरवल्स ऑलमोस्ट लाइक बीट्स ऑफ म्यूजिक विद अनस्ट्रेस सिलेबस बिटवीन दैम स्पेसिज आउट ऑफ क्राउड। रिदम का मतलब ये है कि जब हम आपको जैसे कोई लाइनों की रिदम बन जाती है जिसके लास्ट अक्षर वगैरह मिलते हैं बोलने में अच्छे लगते हैं जैसे गाने वगैरह होते हैं या फिर कोई आपका जो है गज़ल वगैरह है जिनके लास्ट में रिदम मिलती है। इंग्लिश इज स्ट्रेस टाइम्ड लैंग्वेज, इंग्लिश क्या है स्ट्रेस टाइम लैंग्वेज है। इट मीन्स दैट स्ट्रेस सिलेबस जो है सिलेबस इज ऑक्यूर एट द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन अदर वर्ड ईच स्ट्रेस ग्रुप इन ए सेंटेंस इज गिवन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ए स्ट्रेस ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ए स्ट्रेस्ड सिलेबी विद एनी अनस्ट्रेस सिलेबी विच मे फॉलो द स्ट्रेस वन, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं। वट डू यू वॉन्ट टू डू, यहाँ पे वट डू यू वॉन्ट टू मी, यहाँ पे क्या लगा हुआ है डू। वट डू यू वॉन्ट टू डू, वट डू यू वॉन्ट, यहाँ पे क्या है डन। इन ईच ऑफ द अबव सेंटेंसेज देर आर थ्री स्ट्रेस ग्रुप्स, ईच स्ट्रेस ग्रुप इज टू बी स्पोकन इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। इन सेंटेंस वन द फर्स्ट स्ट्रेस ग्रुप वट डू यू कंसिस्ट ऑफ द स्ट्रेस सिलेबिस एंड टू अन स्ट्रेस वन इज स्पोकन इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम एज द सिंपल स्ट्रेस्ड सिलेबिस डू। इन सेंटेंस वन द स्ट्रेस इज ग्रुप वांट मी टू टेक्स द मच टाइम टू स्पीक वांट टू,
इन द सेंटेंस टू एंड वांट इन द सेंटेंस सेकंड, यानी कि जो पहला जो सेंटेंस है इसमें जो है बोलने पर जो ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि सेंटेंस क्या ये थोड़ा सा बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राइट द शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट लिखना है कि स्माइली क्या होता है और आयरनी क्या होती है। तो ये क्या है, अलंकार होते हैं, इनको अलंकार बोलते हैं। स्माइली क्या होता है, उपमा अलंकार, और आयरनी क्या होता है, ये होता है विडंबना। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्माइली की, उपमा अलंकार जो है। स्माइली इज द फिगर ऑफ स्पीच इन विच कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट के बीच में यदि कंपेरिजन किया जाता है, ऑफ डिफरेंट काइंड, और दोनों अलग अलग काइंड के होने चाहिए, प्रकार के होने चाहिए। विच हैव हाउ एवर एटलीस्ट वन पॉइंट इज कॉमन, जबकि दोनों में जो है एक पॉइंट क्या होगा कॉमन। द कंपेरिजन इज एक्सप्रेस्ड बाई यूजिंग द वर्ड लाइक एज और लाइक और सो, और इनको जो कंपेरिजन करने के लिए वर्ड यूज करते हैं, जैसे लाइक यूज कर लिया, एज यूज कर लिया, सो यूज कर लिया। एग्जाम्पल है एज रीड एज ए रोज, दूसरा है ओ माई लव्स लाइक ए रीड रेड रोज। यहाँ पे फिर जो है रूपक यानी कि मेटाफोर के बारे में बताया गया, तो इसमें पूछा नहीं गया तो आप वैसे मैंने यहाँ पे फिर भी इंक्लूड कर रखे, इनको आप पढ़ सकते हैं। एलिट्रेशन अनुप्रास इसको पढ़ सकते हैं, विरोधाभास यानी कि पैराडॉक्स। नेक्स्ट है आयरनी के बारे में पूछा गया है, तो आयरनी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो ये ऊपर वाले मैंने आपकी नॉलेज के लिए रखे हुए हैं। विडंबना, आयरनी इज मेड ऑफ स्पीच इन विच द रियल मीनिंग इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ दैट व्हाट इज लिटरली कन्वेड, यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या है कि जो रियल में जो मीनिंग है उसका जो है बिल्कुल अपोजिट होता है, उसको क्या बोलते हैं हम विडंबना। एग्जाम्पल के लिए व्हाट ए ब्रेव सन ऑफ द इंडिया जो है जयचंद वाज। नेक्स्ट यहाँ पे व्यंग्य यानी कि स्टायर के बारे में बताया गया है, तो ये भी मैंने इसमें इंक्लूड कर रखा है ताकि इसके बारे में भी आपको थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डू सम चिल्ड्रन फेल इन लर्न टू रीड एंड रीड डिस्कस, बहुत सारे बच्चे जो हैं लर्न जो क्या हो जाते हैं फेल हो जाते हैं टू लर्न टू रीड, लर्न और रीड करने में, तो उसके क्या क्या रीजन है। पहला है डिफिकल्टली रिकॉग्नाइजिंग द इंडिविजुअल साउंड इन द स्पोकन वर्ड फोनमस, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड प्ले विद स्पीच साउंड इज कॉल्ड द फोनिमिक अवेयरनेस। सेकेंड है डिफिकल्टी साउंडिंग आउट रिटन वर्ड्स डिकोडिंग एंड रिकोगनाइजिंग फेमिलियर वर्ड पार्ट, यानी कि एक टाइप के जो वर्ड है उनको थोड़ा सा फेमिलियर उनको समझने में जो है थोड़ी सी दिक्कत आती है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बीइंग रीड, उनको समझने में दिक्कत आती है कि वो क्या पढ़ रहे हैं, व्हाट इज बीइंग रीड क्या पढ़ना चाहिए। लिमिटेड वोकेबलरी एंड बैकग्राउंड नॉलेज कंट्रीब्यूट्स टू लोअर लेवल ऑफ रीडिंग कंप्रिहेंशन, और वोकेबलरी भी जो है बैकग्राउंड भी क्या है नॉलेज का, वो भी थोड़ा बच्चों को जो है क्या करता है फेल कर देता है पढ़ने के लिए लर्न। लिमिटेड इंग्लिश लैंग्वेज स्किल और इंग्लिश लैंग्वेज की जो है लिमिटेड स्किल के कारण भी दिक्कत आती है बच्चों को। लिमिटेड एक्सरसाइज जो है सॉरी लिमिटेड एक्सपीरियंसिस विद प्रिंट एंड बुक्स, और उनको जो है बुक वगैरह और जो प्रिंट मिल वगैरह मिलते हैं उनमें भी जो है बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि कौन से लेने चाहिए कौन से अच्छे हैं। इंस्ट्रक्शन दैट डज नॉट मीट एन इंडिविजुअल चाइल्ड्स नीड, और जो इंस्ट्रक्शन वगैरह है जो उसकी ज़रूरत के हिसाब से मिलते नहीं हैं। फॉर एग्जाम्पल ए चिल्ड्रन विज डायलेक्सिया मे नीड एडिशनल जो है एक्सप्लिट स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड इन केयरफुली प्लान्ड सीक्वेंस, यानी कि कुछ बच्चों को जो है ये प्रॉब्लम होती है जो है डिसलेक्सिया, तो उनको जो है स्टेप बाय स्टेप समझाना पड़ता है तभी वो इंस्ट्रक्शनों को समझ सकते हैं, अगर टीचर शॉर्टकट में बताएगा तो उनको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यहाँ पे राइट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज विद द एग्जाम्पल, आपको जो है सेंटेंस के जो काइंड बताने हैं। फर्स्ट है डिक्लेरेटिव, ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस डिक्लेयर्स और स्टेटमेंट फैक्ट अरेंजमेंट और ओपिनियन। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेज कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ए डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड विद द पीरियड, यानी कि आप बोला गया जो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं स्टेटमेंट या फिर फैक्ट को करते हैं, और ये क्या करते हैं अरेंजमेंट या फिर ओपिनियन को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और इसमें ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, और इनको फुल स्टॉप से खत्म करते हैं। एग्जांपल के लिए आई सेल मीट यू एट द ट्रेन स्टेशन, दूसरा है सनराइज इज इन द ईस्ट, तीसरा है ही डज नॉट गेट अप अर्ली, तो ये कुछ इसके एग्जांपल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इंपेरेटिव, द इंपेरेटिव कमांड्स और समथिंग रिक्वेस्ट, यानी कि रिक्वेस्ट वगैरह करने के लिए उसके लिए यहाँ पे जो है यूज करते हैं। देखिए दूसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, तो द इंपेरेटिव कमांड्स और समथिंग रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और कमांड के लिए द इंपेरेटिव टेक्स नो ऑब्जेक्ट एज यू इज द इम्प्लाइड सब्जेक्ट, डायरेक्ट जो यू का मतलब जो इसके ऊपर नो सब्जेक्ट स्पेशल नहीं होता, जो यू को ही क्या मानते हैं इसके अंदर सब्जेक्ट। द इंपेरेटिव फॉर्म एंड्स विद आइदर ए पीरियड और एक्सट्रीमली जो है एक्सक्लेमेटरी
एक्सक्लेमेशन साइन, यानी कि यहाँ पे जो सेंटेंस है ये जो है फुल स्टॉप से भी ख़त्म हो जाते हैं और साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी से। एग्जाम्पल देखिए, ओपन द डोर, फिनिश योर होमवर्क, पिकअप दैट मैस। नेक्स्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव, द इंटरोगेटिव आस्क्स इस क्वेश्चन, इसमें जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन द इंटरोगेटिव फॉर्म द एक्सिलरी वर्ब प्रीसीड्स द सब्जेक्ट विच इज टेकन फॉलोड बाई मेन वर्ब। यहाँ पे जो है क्या करते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस में जो वर्ब होती है उसको पहले यूज कर लेते हैं जो है ऑक्सिलरी वर्ब को। एग्जाम्पल यहाँ पे जो एग्जाम्पल दे रखा है, हाउ लॉन्ग यू लिव्ड इन द फ्रांस। नेक्स्ट है व्हेन डज द बस लीव। नेक्स्ट है डू यू इंजॉय लिसनिंग द क्लासिकल म्यूजिक, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं लास्ट में। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी, द एक्सक्लेमेटरी फॉर्म एम्फेसिस स्टेटमेंट आइदर डिक्लेरेशन और इंपेरेटिव विद एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट, यानी कि सरप्राइज के साथ यदि हम कोई बात बोलते हैं उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे हम बोलते हैं जो है हरी अप, यानी कि तेज चलो जल्दी करो, दैट साउंड फैंटेस्टिक, ये जो साउंड अच्छी है, आई कैन नॉट बिलीव यू सेड दैट, या फिर जैसे हम मे गॉड ब्लेस यू भी बहुत बार यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, राइट ए नोट ऑन एडवर्बियल क्लोजिज, एंड एडवर्बियल क्लोज इज ए डिपेंडेंट क्लोज दैट मॉडिफाइज द मेन वर्ब इन द इंडिपेंडेंट क्लोज। एडवर्बियल क्लोजिज ऑलवेज स्टार्ट विद ए सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड मस्ट कनेक्ट टू एन इंडिपेंडेंट क्लोज टू मेक सेंस। फॉर एग्जाम्पल, इवन इफ आई टेक द ट्रेन आई स्टिल माइट बी लेट टू माई अपॉइंटमेंट। यहाँ पे जो सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है, 8-8 नंबर के जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम नोट्स में से या बुक में से पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि इनको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि 8-8 नंबर के बड़े क्वेश्चन हैं। अगर आपको पहला आता है, व्हाट आर द साइलेंट फीचर ऑफ द गुड हैंड राइटिंग, तो गुड हैंड राइटिंग के जो है साइलेंट फीचर आपको बताने हैं। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे और में है, राइट ए नोट ऑन गाइडेड कंपोजिशन, इसके ऊपर आपको नोट लिखना है, 8-8 नंबर के क्वेश्चन है। सेकेंड नेक्स्ट है, प्रिपेयर ए लेसन प्लान बेस्ड ऑन द पोइट्री यूजिंग अप्रोप्रिएट TLM या टीचिंग एड्स। यहाँ पे जो प्रॉपर लेसन प्लान बेस्ड जो है आपको एक पोइट्री जो है लेसन प्लान पोइट्री के ऊपर जो है तैयार करना है। इसके और में यहाँ पर एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन देख सकते हैं, व्हाट इज ए लेसन प्लान, लेसन प्लान क्या है, डिस्कस द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए गुड लेसन प्लान, अच्छे लेसन प्लान के लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी हैं। तो लेसन प्लान क्या होता है आपको पता है, टीचर पढ़ाने से पहले जो भी चीज़ें तैयार करता है कि कौन सा टॉपिक कौन सी चीज़ वो पढ़ाएगा आज क्लास में, उसकी करेक्टरिस्टिक वगैरह क्या है गुड लेसन प्लान के लिए। तो बच्चों के लिए जो अच्छा होना चाहिए, इजीली जो बच्चों को समझ में आ जाए, सारे टॉपिक कवर हो जाएं, पीछे जो उन्होंने पढ़ा है उसका भी यूज़ होना जरूरी है, चित्र वगैरह समझ आने के लिए जो भी तरीके वो यूज़ करता है टीचर, वो सभी क्या है गुड लेसन के लिए करेक्टरिस्टिक हैं अच्छी हैं। और लेसन प्लान को मैंने बता दिया, टीचर जो भी पहले से तैयारी वगैरह करता है, सिलेबस वगैरह डिसाइड करता है, टॉपिक डिसाइड करता है, लेसन प्लान बोलते हैं। डिटेल में आप जो है बुक में से या एग्जाम नोट्स में से देख सकते हैं। यहाँ तक जो अपनी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। यदि आपको DLD के प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करने हैं, यदि आपको एग्ज़ाम नोट्स डाउनलोड करने हैं, या फिर आपको प्रैक्टिकल फाइल डाउनलोड करनी है, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको DLD के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।